मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर हुआ गिरफ्तार। मनोज राय हत्याकांड में था फरार, पुलिस ने पकड़ ली गर्दन। किसी भी माफिया के काले करतूतों का साम्राज्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत होता ही है। ऐसा ही हुआ मरहूम माफिया मुख्तार अंसारी के साथ। अंसारी को अपना साम्राज्य तब खत्म होता दिखाई दिया जब कृष्ण नंद राय हत्याकांड के बाद प्रशासन ने उस पर शिकंजा कसा। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके सभी शार्प शूटर्स और गैंग के लोग अपने आप को बचाने के लिए फरार हो गए। माफिया मरहूम मुख्तार अंसारी का परिवार एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। गाजीपुर पुलिस ने आज मुख्तार अंसारी की गैंग IS 191 के फरार चल रहे इनामी सदस्य शाहिद पुत्र कुर्बान को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी के घर पर छापा मारा था जहां से उन्हें शाहिद। तो आज की स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे कि कैसे पुलिस ने इनामी फरार आरोपी शाहिद को छापा मारकर पकड़ा और कहां है मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी। मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। गाजीपुर पुलिस ने शनिवार को मुख्तार अंसारी के गैंग IS 191 के फरार चल रहे इनामिया सदस्य शाहिद पुत्र कुर्बान को माफिया के घर के चचेरे भाई मंसूर अंसारी के घर से गिरफ्तार किया है और इसके बाद मुख्तार अंसारी का चचेरा भाई मंसूर अंसारी फरार चल रहा है और पुलिस उसे खोज रही है। शाहिद अंसारी मनोज राय हत्याकांड का आरोपी है। इसी के साथ तीन और अन्य लोगों पर भी ट्रायल चल रहा है जो कि इस वक्त यूपी के अलग अलग जिले में बंद है। वहीं इस केस में तीन फरार आरोपियों में से एक शाहिद को अंसारी परिवार के बेहद नजदीकी मंसूर अंसारी के घर से गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। क्या है मनोज राय हत्याकांड का पूरा मामला? मनोज राय की शादी गाजीपुर जिले के भावरकोल थाना क्षेत्र के अब थही में हुई थी। ससुराल आने जाने के क्रम में उसकी मुलाकात किसी तरह मुख्तार से हो गई। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो गई तो मुख्तार ने उसे अपने ठेके के काम सौंपने शुरू कर दिए। वादित है कि मुख्तार का गैंग सरकारी ठेका लेने का काम करता था और इसमें मनोज बतौर ठेकेदार मुख्तार की तरफ से ठेके भरने का काम किया करता था। एक बार मनोज राय ने मुख्तार अंसारी की जानकारी के बिना कोई ठेका भर दिया। मुख्तार को जब इस बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज हो गया। उसने तुरंत अपने गुर्गों को मनोज के घर भेज दिया। मुख्तार के चार गुर्गे ड्राइवर सुरेंद्र शर्मा, शाहिद, गौस मुइनदीन और कमाल वारदात के एक दिन पहले मनोज के घर पहुंचकर बोले कि विधायक जी ने जरूरी काम से बुलाया है। मनोज चले गए। उस वक्त उनके पिता घर पर ही मौजूद थे। अगले दिन शाम को खबर आई कि मनोज की एक गोलीबारी में हत्या कर दी गई है। शैलेंद्र राय ने जब सच्चाई जानने की कोशिश की तो मुख्तार के गुर्गों ने घर आकर धमकी दी और कहा कि उनके बेटे ने विधायक जी को धोखा दिया है, इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। मुख्तार अंसारी के डर से मनोज राय का परिवार 22 साल चुप रहा। आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी ने क्राइम की दुनिया में कदम कैसे रखा। मुख्तार अंसारी ने क्राइम की दुनिया में कदम कैसे रखा। साल 1988 में मुख्तार का नाम क्राइम की दुनिया में पहली बार आया। मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। इसी दौरान त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में कर दी गई, इसमें भी मुख्तार अंसारी का नाम ही सामने आया। साल 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रिजेश सिंह गैंग का कब्जा शुरू हो गया था। अपने काम को बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी के गिरोह से उनका आमना सामना हुआ। यहीं से ब्रिजेश सिंह के साथ उसकी दुश्मनी शुरू हो गई। साल 1991 में चंदौली में मुख्तार पुलिस की पकड़ में आए लेकिन आरोप है कि रास्ते में दो पुलिस वालों को गोली मारकर वो फरार हो गए। इसके बाद सरकारी ठेके, शराब के ठेके, कोयले के काले कारोबार को बाहर रखकर हैंडल करना शुरू कर दिया। 1996 में ASP उदय शंकर पर जानलेवा हमला करने में उनका नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आया। 1996 में मुख्तार पहली बार
एमएलए बने। उन्होंने ब्रिजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। साल 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी रुगंडा के अपहरण के बाद उनका नाम क्राइम की दुनिया में छा गया। आरोप है कि साल 2002 में ब्रिजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया। इसमें मुख्तार अंसारी के 3 लोग मारे गए, ब्रिजेश सिंह भी घायल हो गए। इसके बाद मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरे। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में हिंसा भड़की। इसके बाद उन पर कई आरोप लगे, हालांकि वो सभी खारिज हो गए। उसी दौरान उन्होंने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तभी से वो जेल में बंद थे। इसी दौरान कृष्णनंद राय से मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी चुनाव हार गए। मुख्तार पर आरोप है कि उन्होंने अपनी शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और कुछ और साथियों सहित कृष्णनंद राय की हत्या करवा दी। 2010 में अंसारी पर राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप लगा। मौर्य मनंत सिंह नामक एक स्थानीय ठेकेदार की हत्या का एकमात्र गवाह था। मुख्तार और उनके दोनों भाइयों को 2010 में भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्तार अंसारी की गैंग का 25,000 के इनामी अपराधी शाहिद के खिलाफ कोर्ट ने CRPC 82 को नोटिस जारी किया है। बावजूद उसके वो हाजिर न होकर फरार चल रहा था। एसपी ने कहा कि मोहम्मदाबाद में मनोज राय हत्याकांड और बाराबंकी में एम्बुलेंस केस में गैंगस्टर का ये आरोपी फरार चल रहा था। मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी, जो उसका घोषित सहयोगी रहा है, उसके घर से गिरफ्तार हुआ है। मंसूर इसका शरणदाता था, जो फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। साल 2005 में मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे। इसी दौरान बीजेपी विधायक कृष्णनंद राय को उनके 5 साथियों सहित सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने 6 AK-47 राइफलों से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। मरने वाले लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद की गई थी। इस मामले का एक महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय 2006 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया गया था। उसने कृष्णनंद राय के काफिले पर हमला करने वालों में से अंसारी और बजरंगी के निशानेबाजों को अंगद राय और गोरा राय को पहचान लिया था। कृष्णनंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी का दुश्मन ब्रिजेश सिंह गाजीपुर मऊ क्षेत्र से भाग निकला। साल 2008 में उसे उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया था। 2008 में अंसारी को हत्या के एक मामले के एक गवाह धर्मेंद्र सिंह पर हमला करने का भी आरोपी बनाया गया। 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्तार पर मकोका लगाया। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई के घर पर छापा मारने और इनामी गैंगस्टर शाहिद को गिरफ्तार करने के बाद गाजीपुर के SP ओमवीर सिंह ने बताया क्या था कृष्णनंद राय मर्डर केस। वही मृतक मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी अभी भी आपराधिक मामलों में फरार है। आफशा को लेकर किए गए सवाल पर एसपी ने कहा कि उसकी भी टिप मिली है, पुलिस उस पर भी काम कर रही है। फिलहाल शाहिद पुत्र कुर्बान की गिरफ्तारी के बाद अंसारी परिवार पर अपराधियों को शरण देने का नया मामला गाजीपुर पुलिस ने दर्ज कर लिया है। अभी के लिए फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।